पंजाबी इजी राजमा बनाने के लिए हम लोग कोई मसाले नहीं डालते हैं घर में। मेरी मम्मी जाना है प्याज में ये सब इसमें डाल दूंगी पीसने के लिए, ये सब पीसने के लिए मैं डाल दूंगी। दो प्याज मिर्ची, हम बहुत स्पाइसी खाते हैं, अदरक और लहसुन, इसमें सबको पीस दूंगी मैं। ये मैंने हल्दी और नमक भी डाल दिया है, सारे प्याज लहसुन अदरक मिर्ची हरी और लाल, और मसाले में मैंने डाला है हल्दी और नमक। नमक बहुत कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी राजमा उबालते वक्त मैंने उसमें नमक डाल दिया था। मसाला तो मेरा रेडी है, सारा मसाला इसमें, ये मसाला निकाल के उसके बाद मैं इसमें टमाटर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं राजमा चढ़ा देती हूँ क्योंकि टमाटर बाद में डालेंगे। मेरा रेडी है, आलू मैंने राजमा के साथ ही भी कर लिए थे क्योंकि आलू भी हमारे पंजाबी में डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं। और ये राजमा है, जिस पानी में ये उबले थे हम नहीं फेंकते हैं, और जो रात में सोक करने के लिए पानी डालते हैं वो मैं फेंक देती हूँ क्योंकि नॉट गुड, पूरी रात पड़ा होता है वो। सो हमें वो वाटर यूज करना है जिससे हमने पानी डाल के उबाला है मेन। चलो इन्हीं सब चीज़ों से हमारा राजमा रेडी हो जाएगा। तो प्रोसेस तो बहुत ही ईजी है, सबको आता है, बट फिर भी मैं बना के बता देती हूँ कि पंजाबी राजमा कैसे बनते हैं। ऑलमोस्ट मेरा तेल रेडी है, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग। ओके अब डलेगा थोड़ा सा जीरा, अब मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया ऑलमोस्ट। इतने सारे खड़े मसाले हैं, कुछ भी कोई और मसाला यूज किया ही नहीं है हम लोगों ने, सारा मसाला डाल दिया है मैंने, और नीचे भी आग बहुत अच्छी है। सो हम इसको ब्राउन होने देते हैं, तब तक मैं टमाटर पीस लेती हूँ। अब मैंने लिया एक टमाटर, अब मैं फटाफट से इसको काट के पीस लेती हूँ। मेरे टमाटर हो गए हैं, अब इनको फटाफट पीसती हूँ। मेरे टमाटर भी पीस गया, अब जाके इसको मसाले में डालते हैं। मसाला ऑलरेडी रेडी है, अब हमें सिर्फ इसमें क्या डालना है, हमें इसमें डालना है टमाटर। वैसे ये जो मेरी रेसिपी है ना, ये लड़कों की है, लड़कियों की नहीं है, क्योंकि लड़कियां तो बहुत अच्छे से बनाती है ना, मैं भी लड़कों की तरह इंस्टेंट बना रही हूँ। यस शायद लड़के इतना प्रोसेस ना कर पाए, लेकिन हाँ ठीक है। अब उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसको पकने देते हैं, जब तक ये पूरा तेल ना छोड़ दें तब तक हम इसको नहीं टच करने वाले। इसमें डाल रही हूँ कलर मिर्च फॉर अ कलर, थोड़ी सी, ताकि ग्रेवी में कलर आ जाए। पर नाउ माय कलर और मसाला हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। मसाला ऑलरेडी हो गया है, जो आलू मैंने किए थे वो मैंने मैश कर लिए थे, अब मैं सभी इसमें डाल दूँ ताकि ये मसाला थोड़ा सा वो कर ले। सी अब इसमें डालते हैं, ये आलू मैंने सब डाल दिए, मसाले में तेल भी छोड़ दिया है, और अब हम डालेंगे इसमें राजमा। अब जो भी राजमा मैंने किए थे सब मैं इसमें डाल दूँ पानी के साथ ही, क्योंकि ऑलमोस्ट सब मसाला रेडी है, मैंने मसाला बहुत अच्छे से पकाया है। इसमें और पानी डलेगा, लेकिन तब तक इसमें हम होने देते हैं। अब इसको 10 मिनट के आपके इसमें ढक के रख देती हूँ। अब मैं ढक रही हूँ इसको, और इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, अब इसको छेड़ना नहीं है 10 मिनट।
मोस्टली जब भी मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ या दाल बनाती हूँ, मेरे को हरा धनिया बहुत पसंद है. सो राजमा बनने के बाद मैं उसको गार्निश या प्रेजेंटेशन इससे दूंगी. सो काटती हूँ. मामी अब लास्ट में रह गया धनिया. मैं ऑलमोस्ट अब इसको उतारूंगी नहीं क्योंकि मैं इसको बनने दूंगी. ये मेरा राजमा का, अब इसको थोड़ी, ऑलमोस्ट मेरे राजमा रेडी हैं. सो मिलते हैं फाइनल टच पे. हमारा राजमा चावल रेडी है. ये सैलेड है और ये हम लोगों ने घर के दही की छाछ बनाई है. सो आज हम ये खाने वाले हैं और मुझे टेस्ट करके पहले बताएगी. टैन टैन डूड, ले पकड़, थोड़ा टेस्ट करके रिव्यू दो. तो स्पाइसी है थोड़ा. स्पाइसी पसंद है. स्पाइसी पसंद है? पर तुम्हारे जताने थोड़ा स्पाइसी हो गया यार. इधर मुंह करके कर ले. थोड़ा स्पाइसी तो है. वाओ. अच्छा है. ये